नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। रेवाड़ी जिले में डेंगू से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही डेंगू के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि विभाग इन मामलों के डाटा लेने में जुटा कि कब और कहां से केस निकले हैं। ऐसे में जिले में कुल 57 कन्फर्म मामले हो गए हैं। हालांकि इनमें एक केस बाहरी जिले का बताकर सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी अब 56 केस हैं। जिले में डेंगू से अब तक एक बच्ची समेत 2 की जान भी जा चुकी है। इससे चिंता बढ़ी हुई है। विभाग की ओर से डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लैब को भी 24 घंटे खुली रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इधर निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में वायरल और प्लेटलेट्स की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें संदिग्ध लक्षणों वाले डेंगू टेस्ट भी किए जा रहे हैं। निजी लैब पर भी डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं, वहां भी डेंगू के मामलों की पुष्टि होती है, लेकिन काफी मामले स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं लग पाते। हालांकि निजी अस्पतालों में डेंगू के जो भी मामले आएंगे उनको स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू का डंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फॉगिंग की गति धीमी चल रही है। हालांकि विभाग का दावा है कि जहां केस निकले हैं वहां फॉगिंग के साथ ही अन्य गांवों में भी फॉगिंग जारी है। शहरों और गांव में लगातार 90 जगहों से ज्यादा पर फॉगिंग की जा चुकी है। इसके अलावा जोहड़ों और तालाबों में गंबुजिया मछली भी छोड़ी गई है। जहां पानी एकत्रित मिलता है वहां लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अब तक 1010 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। लगातार अगर जिले की बात करें तो लगातार डेंगू की प्रभाव बढ़ रहा है। 2 मौत हो चुकी और 56 केस हो चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या विशेष रोकथाम के लिए रोजाना हमने अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको सोर्स रिडक्शन के लिए भेज रहे हैं घर घर। वो जैसे कोई बर्तन खाली हो गया, मटका है खाली हो गया, संपर्क जैसे लोग टायर है, तो हम उनसे सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज करा रहे हैं डेली। वो उनसे खाली करा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो डेंगू का मच्छर है साफ पानी मिलता है, थोड़ा सा भी अगर एक ढक्कन भी पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें डेंगू का मच्छर पनप सकता है। और हमने हर वीक ड्राई डे मनाने का वो कह रखा है सभी को कि अपने कूलर वूलर को डेली साफ करें, हर वीक साफ करें, ताकि ये मच्छर की पैदा ना हो पाए। लोगों से साथ में ये भी अपील है कि बुखार अगर होता है तो केवल पैरासीटामोल की गोली खाएँ, पूरी बाजू के कपड़े पहने, जाली वाले दरवाजे हैं तो वो लगाएं, और अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। छोटा मोटा पानी कहीं इकट्ठा होता है तो उसमें मिट्टी डाल लें या टेमिकोस की गोली या काला तेल डीजल ये डाल सकते हैं, ताकि मच्छर पैदा ना हो। अगर मच्छर पैदा ही नहीं होगा तो काटेगा नहीं, तो ये थोड़ी सावधानियाँ सभी जनता को बरतनी पड़ेंगी तो ही हम कर सकते हैं। आजकल लोग घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखते हैं, उनमें पानी डाल कर रखते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें भी ये पानी वानी जो है रोज़ाना चेंज कर। तो लगातार अगर बात करें तो 56 तो रिकॉर्डेड है, अगर निजी स्कूल निजी हॉस्पिटल में भी तो लगातार केस आ रहे हैं, तो क्या उसका भी कोई आंकड़ा अपने पास है? ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या लोगों के मन में धारणा ही होती है कि प्लेटलेट कम होगी तो डेंगू हो सकता है, तो प्लेटलेट किसी भी वायरल बुखार में कम हो सकती है। उसके लिए हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गाइडलाइन जारी की हुई है कि अगर कोई भी केस पॉजिटिव निकलता है तो वो NS1 जो है कार्ड टेस्ट कराते हैं, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, उसके बाद अलाइजा टेस्ट कराते हैं, उससे हम कन्फर्म करके कह सकते हैं कि नोटिफाइएबल डिजीज है, सभी को इंस्ट्रक्शन दे रखी है और वो हमें टाइमली रिपोर्ट करते रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।